नमस्ते दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है? दोस्तों आज हम लोग किसी क्लाइंट के घर आए थे, उनके पाइप में हल्का फुल्का लीकेज था, ज़्यादा नहीं था गाइस, लेकिन लीकेज था। तो हम लोगों ने जब प्लास्टर थोड़ा सा तोड़ा तो हमको पता चला कि इनका जो GI फिटिंग हुआ है ऐसे बहुत देर पहले का हुआ, 25 साल के आसपास। तो हम लोगों ने मालिक को बोला कि हम लोग को ये पूरा पाइप ही आपका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं भी थोड़ी जगह पर रिपेयर कर देंगे तो ये बाद में कल को फिर लीकेज मारेगा। इसके लिए गैज हम लोग ये पूरा ही पाइप क्लियर कर देंगे। गैज हम लोग जैसे जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में, लास्ट में जो एल्बो नीचे की तरफ जा रहे थे, तो गैज वो एल्बो हम लोग वो फ्लोर के नीचे से पाइप गया हुआ GI, तो हम लोग अब फ्लोर में नहीं डालेंगे, हम लोग वॉल में डालेंगे। तो गैज मैंने ग्राइंडर मार दिया और अब हम लोग झरी निकाल देंगे। झरी निकाल के उसके बाद गैज हम लोग इसकी फिटिंग करेंगे। तो मैं अभी फिर गाइस आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, अब झरी क्लियर है और मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो गाइस, नुक्कड़ में पाइप नीचे जा रहे हैं, वहाँ से डेड कर दिए फ्लोर से। हम लोग अब वॉल से ले जाएंगे गाइस, पाइप कटिंग कर दी हमने, तो अब फिटिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। या जितना भी पाइप सड़ चुका था वो चेंज कर देंगे। ये देखो गाइस, हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसके आगे वॉल है गाइस और अंदर टाइल लग चुकी है, इससे ज़्यादा गाइज हम लोग अंदर तोड़ भी नहीं सकते। वैसे भी गाइज इससे आगे 90% ओके है पाइप, इससे पीछे जो पाइप है उसकी कंडीशन बहुत माड़ी थी। मान लो इससे आगे जो पाइप है वो 90% सेव थे, जो इसके पीछे पाइप है जो हम लोगों ने निकाले हैं गाइज वो 90% उड़ चुके थे, सड़ चुके थे। तो गाइज इन लोगों ने प्लास्टर तो कराना ही था, इसके लिए पहले ये लोग पाइप चेंज करवा लेंगे, उसके बाद प्लास्टर करवाएंगे। तो गाइस ये प्लास्टर गिरा भी इसकी वजह से था कि ये पाइप सड़ चुके थे और ये वॉल में स्लाब दे रहे थे, हल्का हल्का पानी दिखाई दे रहा था। तो हम लोग आज से 3-4 दिन पहले आए थे तो हम लोग स्टॉप कर गए थे पानी, तो ये लोग बाद में ये वॉल का पूरा प्लास्टर निकाल दिया। तो आज हम लोग आके इसको फिटिंग कर देंगे गाइस। गाइस जो GI पाइप था वो बहुत ऐसे 25-30 साल या 40 साल पहले का पड़ा हुआ है, उसके बाद में गाइस कोई GI पाइप को डलवाते ही नहीं है। मान लो गाइस जैसे कि आज से 50 साल पहले का जो GI पाइप लगा था वो 30 साल के आसपास जाके वो बेकार हो गया, वो सब गल गया, सड़ गया, लोगों ने दोबारा चेंज करवाए। उसके बाद गाइस UPVC आ गया, UPVC के बाद गाइस PPR आ गया, और PPR जब स्टार्ट हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही गाइस CPVC पाइप आ गया। तो अब गाइस CPVC की ज़्यादा मार्केट है, कोई भी गाइस प्लास्टिक का पाइप है उसकी ज़्यादा मार्केट है। मान लो ये हम लोग CPVC लगा रहे हैं, ये कम से कम 50 साल तक इसको हम लोग जमीन के नीचे चाहे चाहे वॉल के अंदर झरी में मार के पाइप डाल दो, ये आपका 50 साल तक ऐसे रहेगा, 50 साल से ज़्यादा ही रहेगा ऐसे। तो गाइज ये देखो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। गाइज इससे आगे जो फिटिंग थी वो मैंने की थी, तो और अंकल जी कैमरा नहीं पकड़ पाए थे, इसके लिए मैंने लास्ट में सारी क्लियर करके मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। गाइज वो देखो जो झरी मारी थी उसमें हम लोगों ने पूरा क्लियर कर दिया है। गाइज ये एक टैंक कनेक्शन था और एक फ्रेश वाटर था। ये देखो गाइज ये 2 पॉइंट बार वॉल में रख दिए हैं, जैसे कि बालकनी के आसपास होते हैं। तो ये गाइस मीटर लगेगा, वाटर मीटर यहाँ पे। तो